तेलंगाना स्टेट खादी विलेज एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन जाहिद यूसुफ ने हमारे हाईटेक न्यूज से बात करते हुए खादी बोर्ड के तफसीलात से वाकिफ करवाया। राजधानियों के अंदर मिसाल के तौर पे कभी दिल्ली में, कभी बेंगलोर में और कभी मद्रास में और कभी मुल्क के किसी और बड़े इलाके के अंदर इस तरह की बड़ी नुमाइशें ख़ास तौर से खादी ही से मुतालिक खादी के सब्जेक्ट के ऊपर मुनाकिद की जाती है। और नेशनल के साथ साथ जो है इसमें कभी कभी साउथ इंडिया की लेवल की नुमाइशें भी होती है, उन नुमाइशों को भी मुनाकिद किया जाता रहता है। बहरहाल हमारे इस खादी बोर्ड का मकसद यही है कि इस बोर्ड के ज़रिए से लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुहैया किया जाए, फराहम किया जाए और लोग इसके ज़रिए से अपने पैर पर खड़े होकर कुछ न कुछ अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए कमर बस्ता हो। इसके लिए हमारे बोर्ड की खिदमात हैं। हर ज़िले के अंदर हमारे बोर्ड का एक दफ्तर, एक अमला पाया जाता है, एक रीजनल ऑफिसर होता है। वो अपने ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नए डिस्ट्रिक्ट वजूद में आए हैं उन तमाम डिस्ट्रिक्ट का भी वही जिम्मेदार होता है। एक एक रीजनल ऑफिसर को 3 से लेकर 5 तक अजला की जिम्मेदारी दी गई है। वो अपने इलाकों में अपने स्टाफ को लेकर इसका काम अंजाम देते हैं। तो इसको हासिल करने के लिए आसान तरीका ये है कि सबसे पहले ऑनलाइन इसकी बुकिंग की जाए और इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद DLTFC मीटिंग होती है जिसमें हर इलाके के कलेक्टर वो इस तरह की तफसीलात को जमा करके खुद जो है वो इसकी छानबीन करके इसकी मंजूरी अता करते हैं। और बैंक कलेक्टर की मंजूरी मिलने के बाद ये काम बैंकर्स के हवाले होता है। बैंकर्स के पास लिस्ट भेजी जाती है। जब बैंकर किसी बेनिफिशियरी को उसका लोन मंजूर करता है तो फिर वो लोन के मंजूर करने के बाद वो उसकी डिटेल्स हमारे डिपार्टमेंट को भेजते हैं। फिर हम उसकी छानबीन करके उसकी सब्सिडी जो है उसी के अकाउंट के अंदर भेज दी जाती है। ये एक प्रोसेस है जो 2 से 3 महीनों के ऊपर मुश्तमिल होता है। और लोग इसके ज़रिए से, अनगिनत लोग जो है हमारे इस बोर्ड के ज़रिए से लाखों रुपये की सब्सिडी हासिल करते हैं और हासिल करके अपने अपने कारोबार को और अपनी मसनूआत को और अपनी छोटी छोटी माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाकर लोग जो है अपने कारोबार को तौसी देते हुए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और ये हमारा बोर्ड किसी एक कौम या किसी एक मजहब पर मुश्तमिल लोगों का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम कौमों का, हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम लोगों का, ख्वाह वो OC हों, BC हों, FC हों, माइनॉरिटीज़ हों या शेड्यूल कास्ट्स हों या शेड्यूल ट्राइब्स हों, हर तरह के लोगों को जो है इससे फ़ायदा हासिल करने का मौका है। और OC को छोड़कर बाकी तमाम लोगों को इसके ज़रिए से 35% की सब्सिडी बिला इम्तियाज़ जिन्स, बिला इम्तियाज़ जो है तबक़ात, इसके ज़रिए से जो है सब्सिडीज़ फराहम की जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना के अंदर रहने और बसने वाले तमाम लोग हमारे तेलंगाना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड की खिदमात से फ़ायदा उठाते हुए अपनी मईशत को ज़रूर मजबूत करेंगे और सब्सिडी को हासिल करते हुए अपने मसाइल को हल करने की तरफ राग़िब होंगे।